शोर है ना आलूदगी, सुबक रफ्तार है और खर्च भी कुछ नहीं करवाती। ये है शुजाबाद के शहरी मोहम्मद फरहान की अपने हाथ से तैयार की गई ट्राइक कार, जिसे उन्होंने 6 माह की मुद्दत में 1.25 लाख की मालियत में तैयार किया। कार को सस्ता बनाने के लिए छत पर सोलर प्लेटें लगाई, 3 पहिए लगाकर कार की शक्ल दी। टाइम तक इसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। मेरा इरादा है कि इसको मैं 80 तक जो है ना बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और इसका बैकअप टाइमिंग भी जो है ना, मेरी इरादा है कि वो तकरीबन 24 आवर्स तक हो। मोहम्मद फरहान ने दावा किया कि इसकी कार 180 किलो वजन उठाकर 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सारा दिन सफर कर सकती है, जबकि 4 घंटे से जायद का बैटरी टाइम भी इसमें मौजूद होता है। उनका कहना था, शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया लेकिन अब सराहते हैं। सज्जाद जंजुआ का कहना था कि उन्होंने डिजाइन के लिए बहुत मेहनत की। काफ़ी मेहनत के साथ ये बना ली। जब हम रोड पे लेके चलते थे, जिस टाइम ये चालू नहीं थी, उस टाइम ये लोग सोचते थे कि यार ये पागल है, देखो ये क्या चीज़ बनाए फिर रहे हैं, ये क्या है। जब आखिर हमने बना लिए, अब तो लोग खुश होते हैं। मोहम्मद फरहान का कहना था, माहौल दोस्त कार में वो पूरे मुल्क का चक्कर लगाएंगे, अभी इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मेहनत भरपूर हो और लगन सच्ची तो क्या कुछ मुमकिन हो नहीं सकता। माहौल को बेहतर करने की जस्तजू शुजाबाद के शहरी को इस कार के बनाने तक ले गई और इस वक्त ये कार तैयार होकर पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाने को तैयार है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ तैयब सैफ, शुजाबाद।